न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर निगम की लापरवाही के चलते भोपाल के वार्ड नंबर 1 अब्बास नगर की जनता डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से परेशान। यहां आए दिन प्लाटों में सीवेज के भरे गंदे पानी की वजह से डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से लोग परेशान है। जब हमारे रिपोर्टर ने यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों से इस बारे में बात करना चाही तो सब एक दूसरे पर टालते रहे और तो और कुछ अधिकारियों ने तो फोन उठाना भी उचित नहीं समझा। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि वे जब भी नगर निगम में शिकायत करते हैं तो बस एक दूसरे पर यहाँ के अधिकारी टालते रहते हैं। भोपाल से संवाददाता महबूब खान की रिपोर्ट। मकानों के बीच में भरा हुआ है तो किस तरीके से यहाँ के निवासियों को उससे परेशानी हो रही है। इसके चलते जो आज बीमारी का माहौल बना हुआ कोविड-19 चल रहा है और यहाँ पे मच्छर भी हो रहे हैं, तो आइए हम जानते हैं कॉलोनी वालों से आखिर इनको इस पानी की वजह से किस तरीके की परेशानी हो रही है। भाई आपका नाम? मोहम्मद परवेज। परवेज भाई, ये जो यहाँ पे सीवेज का जो पानी निकल रहा है ये कब से निकल रहा है? भाई तकरीबन 2 महीने के समथिंग होगा। इससे 2 महीने से निकल रहा है ये पानी? 2 महीने पहले इसकी रिपेयर करवाई गई थी नगर निगम से, लेकिन उन्होंने रिपेयर करी है। पाइप तो डाला है लेकिन वहाँ चेंबर का ने रिपेयर नहीं करी है, तो वहाँ चेंबर के पास से पानी लीकेज हो रहा है। चेंबर के पास से लीकेज हो रहा है, तो ये लीकेज लीकेजिंग करने मतलब नगर निगम के लोग आए थे कि और भी कोई अधिकारी आए थे? नहीं, अधिकारी कोई भी नहीं आया, खाली जो काम करने वाले लेबर थे वही आई थी। लेबर ही आई थी? हाँ। आपका नाम बताइए। फहीम भाई, इसको लेकर अभी तक कहीं आपने किसी से कहा है काम करवाने का? ये पानी जो निकल रहा है यहाँ पे अभी किसी से नहीं कहा था, तो इसको लेकर जो आप परेशानी मोहल्ले वाले को आ रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कि सही हो जाए और क्या है। आपका नाम बताइए। नवाब भाई, ये जो सीवेज का पानी यहाँ आपके घर के सामने निकल रहा है और ये गंदगी फैल रही है यहाँ पे, पूरा पानी भरा हुआ है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई काम हो जाए, गंदगी खत्म हो जाए। तो ये काम अभी किस 2 महीने पहले भाई ने बताया कि किसने काम किया था यहाँ पर? ये नहीं मानो, सब आए थे मजदूर करके चले गए, कौन थे कौन नहीं। तो देख सकते हैं आप ये यहाँ पे जो परेशानी है भाई को इन्होंने बताई है कि नगर निगम के अधिकारी यहाँ पे 2 महीने पहले आए थे और काम करके गए हैं, लेकिन वो लाइन चौक है और उसमें पानी निकल रहा है, तो इनकी ये जो परेशानी है ये खत्म की जाए और जो सब इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं जिन्होंने यहाँ काम किया है उनको आके निरीक्षण करना चाहिए, यहाँ का काम करवाना चाहिए। ये एक परेशानी का माहौल है, पानी यहाँ पे भरा हुआ है। आपका नाम बताइए। मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई, जरा आप बताइए वो जो पानी सीवेज का निकल रहा है इसको लेकर किस तरीके की परेशानी मोहल्ले वालों को हो रही है? घर के सामने से कहना तो पूरे अब्बास नगर में परेशानी है, चेंबर चौक हो जाते हैं अभी, ये चेंबर चौक हो जाते हैं हमेशा की परेशानी है ये। और यहाँ अभी कुछ दिन पहले रिपेयरिंग करी थी तो उसकी सही रिपेयरिंग भी नहीं हुई और वापस चेंबर चौक हो गए, ये समस्या तो हमेशा रहती है। पानी देखिए आप किस तरह गंदगी दे रही है पानी। तो ये रिपेयरिंग किसने की थी? नगर निगम के वर्कर साहब। नगर निगम के वर्कर साहब, कहाँ? आपने गांधीनगर में शिकायत की थी इसकी? हाँ नहीं, यहाँ CM हेल्पलाइन पर भी करी थी और गांधीनगर में भी करी थी। CM हेल्पलाइन भी करी थी आपने? तो देखें आप, CM हेल्पलाइन भी यहाँ पर कंप्लेंट हो चुकी है और नगर निगम के अधिकारी तकरीबन 2 महीने पहले आके इसका काम करके गए थे, उसके बाद में आके उन्होंने इसका कोई निरीक्षण नहीं किया है कि आखिर ये इस जो लीकेज हो रहा है तो इसको बंद किया जाए और जो बीमारी फैल रही है उसको लेकर। ये एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पानी भरा हुआ है। मैं KKR से महबूब खान, मध्य प्रदेश भोपाल। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।